उन्नाव में आज एक डबल डेकर बस दूध का टैंकर से टकरा गई है, जिस पर कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों के लोग करीब घायल हैं। क्या कहेंगे इस तरह की दुर्घटना को? ये दुर्घटना बहुत ही दुखद है और उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, 18 लोग उसमें मृत्यु हुई है और बाकी लोग जो है घायल हैं। और ये गाड़ी सुबह में 4 बजे उन्नाव के पास जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई है। ये गाड़ी का फिटनेस नहीं था, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, परमिट फेल हो चुका था और फिर भी ये गाड़ी चल रही थी। कई बार इसका चालान किया गया, फिर भी चल रही थी। इसके मालिक इसको अवैध गाड़ियों चलाने के लिए हैबिचुअल हो गया है, इसलिए इस बार केवल ड्राइवर और कंडक्टर पर नहीं, इस बार मालिक पर भी कार्रवाई हो रही है। मालिक के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है और हमारे जो अधिकारी हैं, ये महोबा से रजिस्टर्ड हुई थी गाड़ी और ये गाड़ी बिहार से दिल्ली जाती थी और भोर में ये लोग गाड़ी को चलाते थे, रात में चलाते थे जब अधिकारी सड़क पर नहीं रहते थे। तो उसके बाद फिर भी हमने ये सभी अधिकारियों को जिस जिले से ये गाड़ी क्रॉस की है उस सभी अधिकारियों पर मैं 100 का नोटिस जारी कराया हूँ कि वो जवाब दें कि गाड़ी कब से चल रही थी। जो हमारे टोल हैं, टोल से मैं कैमरे के रिकॉर्डिंग मंगा रहा हूँ कि गाड़ी कितनी बार चली है। यदि ये बार बार वहाँ चली है और हमारे अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं तो उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और जहाँ से रजिस्टर्ड हुई है ये गाड़ी महोबा से, ये KRF में रजिस्टर्ड हुई है, ये गाड़ी बाहर की है, वहाँ से ले आकर के UP में ये लोग रजिस्टर्ड कराए थे और चलाते थे बिहार से दिल्ली तक। ये हमारे जो नियम है उसको भी उल्लंघन करते थे, इन लोगों को टूरिस्ट परमिट लेते थे और इसको अवैध रूप से संचालित करते थे, उसको भी हम जांच करवा रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और ये लोग कहीं ना कहीं जो रात में जब हमारे अधिकारी कर्मचारी सड़क पर नहीं होते हैं उस समय ये गाड़ियाँ निकलती हैं। अब हम इसको सघन अभियान चला करके ऐसे गाड़ियों को रोकने का काम करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।